अब तक जो हमारे टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, और अभी जो रनिंग टॉपिक हमारा चल रहा है वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस टॉपिक में जो हमारा आज का डिस्कशन है वो है ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन के बारे में हम जानकारी लेंगे। अब तक जो हमने डिस्कस किया था ऑफलाइन लेक्चर्स में, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने कंप्लीट करने की कोशिश किए थे। फॉर एग्जाम्पल, हमने ब्लड की डिफिनेशन देखा, बॉडी फ्लूइड के कंटेंट समझने की कोशिश किए, और उसके साथ साथ हमने ब्लड का बेसिक क्लासिफिकेशन भी किया। ब्लड में हमको प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट मिले थे। फॉर्म्ड एलिमेंट में हमने किया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन, और उसके बाद हमने ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम भी डिस्कस किया था, एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम और आरएच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम हमने डिस्कस किया था। होप आप लोग सब लोग मेरे लेक्चर्स देख रहे होंगे और हर किसी को लेक्चर का एक्सपोजर हो रहा होगा। लेक्चर ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लेक्चर कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मिल सके, और हमको जब तक ये लॉकडाउन की सिचुएशन है इसी तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर्स देना है। अगर किसी किस्म की कमी आती है, तुमको कोई पॉइंट समझता नहीं है, तो कॉमेंट करिए, पर्सनल मैसेज करिए, ठीक है। यहाँ पर नाम मेंशन करना ज़रूरी है कि हर बच्चे ने देखना चाहिए, दिनेश, अरसलान, मैं तुम लोगों के कमेंट एक्सपेक्ट करने वाला हूँ कि तुम्हारे एक एक बच्चे के कमेंट आना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे नाजनीन है, समरीन है और फायज़ा है, जितने भी बच्चे हैं सबके नाम लेना ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ पर हर बच्चे को दिमाग में रख कर बात कर रहा हूँ कि हर एक बच्चे ने वीडियो लेक्चर देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो हमारे डिस्कस करते हैं, हमारे मेन कंटेंट पे बात करते हैं, ब्लड कोगुलेशन। मैंने पहले भी बताया था कि हमको आगे कैस्केड फॉर्मेशन देखना है, वही पॉइंट पे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि व्हाट इज एग्जैक्टली कैस्केड फॉर्मेशन, ब्लड कोगुलेशन हम किसको बोलेंगे और उसके पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने सिंपल डिफिनेशन लिखा हूँ, मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, दैट इज द ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस। द मेन रीजन बिहाइंड इट, द मेन पॉइंट और ऑब्जेक्टिव ऑफ कोगुलेशन इज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ एक्सेस ब्लड। जो एक्स्ट्रा ब्लड हमारा लॉस होता है इंजरी होने के बाद, तो वो लॉस ना हो, इस मकसद के चलते हमारे बॉडी में एक, हमारे ब्लड में एक नेचुरल प्रोसेस होता है, क्लॉटिंग का प्रोसेस। हमारे बॉडी में जब ब्लड होता है तो वो क्लॉट नहीं हो पाता है, उसके पीछे रीजन ये है कि उसमें एंटीकॉगुलेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हेपरिन की बात करेंगे तो वो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। अगर सर्कुलेशन के टाइम पे ब्लड वेसल्स में अगर क्लॉटिंग होती है तो वो ब्लॉकेज का रीजन बन सकता है, इम्बोलस फॉर्म होगा, थ्रोम्बो इम्बोलस और ब्लैक ब्लॉकेज होगा और हार्ट अटैक आने के चांसेस होंगे। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे बॉडी में एंटीकॉगुलेंट्स मात्रा में होते हैं बहुत ज्यादा, और वो क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट होने से बचाते हैं। लेकिन जब भी इंजरी होती है, ब्लड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है, तो रफ सरफेस की वजह से जो ब्लड वेसल्स का स्मूथ सरफेस है वो एक्सपोजर खत्म हो जाता है और हमारे प्लेटलेट्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं और उससे बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज होते हैं। उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मैंने यहाँ पर ट्री डायग्राम के फॉर्म में उसको सिंप्लीफाइड करने की कोशिश किया हूँ। जैसे फाइब्रिन हम किसको बोलेंगे, फाइब्रिन क्या होना चाहिए, फाइब्रिन इज नथिंग बट नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स। ये क्या है, थ्रेड्स का नेटवर्क है। थ्रेड्स का एक नेटवर्क है, ये फाइब्रिन के थ्रेड्स है। फाइब्रिन क्या है ये हम अभी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो फाइब्रिन का थ्रेड्स है, डेड और डैमेज जो एलिमेंट्स है, जिसको हम आम भाषा में जो ब्लड क्लॉट होने के बाद जो खपली आ जाती है, तो उसको हम एक्चुअली क्या बोलेंगे, डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट का कंपोजिशन, ठीक है। उसके बाद जब वो खपली निकल जाती है तो वहां पर एक जख्म बाकी रहता है जिसको हम स्कार फॉर्मेशन बोलते हैं। वो वाइट ब्लड सेल्स की वजह से होता है जो हमको बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो देखो यहाँ पर कैस्केड फॉर्मेशन में क्या प्रोसेस होता है, मेकानिज्म ऑफ कैस्केड फॉर्मेशन यहाँ पर हम समझ रहे हैं। जैसे कि मान लो किसी सेल की इंजरी हो गई है, एक्सटर्नल सरफेस डैमेज हुआ है, इंजर्ड सेल्स है। इंजर्ड सेल्स में होगा क्या, इंजर्ड सेल्स में ब्लडिंग स्टार्ट होगी, और ब्लडिंग स्टार्ट होने के बाद इंजर्ड सेल्स इन द सेंस जो ऑर्गन तुम्हारा डैमेज हुआ है, जो टिश्यू डैमेज हुआ है, एक्सटर्नल सरफेस पे कुछ डैमेज हुआ है, तो वहां पर ब्लडिंग स्टार्ट होगी, खून बहना शुरू होगा, ओके। अब खून बहने के बाद ब्लड वेसल्स का सरफेस स्मूथ है,
इंडोथेलियल लाइनिंग बहुत ज्यादा स्मूथ है, जो ब्लड वेसल्स है स्ट्रक्चर आगे भी देखना है हमको, कि मैंने बताया था आपको कैपिलरी में भी और आर्टरीज वेन्स में भी जो सबसे इंटरनल लाइनिंग्स है इंडोथेलियल लाइनिंग्स, ये बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस वाली है। हार्ट के अंदर भी इसी टाइप का पैटर्न है, तो वो बहुत स्मूथ है, तो ब्लड को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन जैसे ही ये ब्लड वेसल्स के बाहर अगर खून आएगा, ब्लड आएगा, तो जो हमारे प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स ब्रेक होना शुरू होंगे, और प्लेटलेट्स ब्रेक होने की वजह से प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन्स का सीक्रेशन होगा। तो अगर प्लेटलेट्स ब्रेक होते हैं तो उससे थ्रोम्बोप्लास्टिन्स का सीक्रेशन होगा, और कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन्स प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। अब ये प्रोथ्रोम्बिन आया कहां से? प्रोथ्रोम्बिन आया हमारे लीवर से, मेटाबॉलिज्म के चलते प्रोथ्रोम्बिन ये आ गया लीवर से, और यहां पर के प्लस आयन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, पोटेशियम आयन का हिपोटोसाइट से प्रोथ्रोम्बिन को लाने के लिए और बनने के लिए प्रोथ्रोम्बिन लीवर में। तो ये प्रोथ्रोम्बिन क्या होगा? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। ये रिएक्शन को मॉड्यूलेट करने के लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के हेल्प से ये रिएक्शन को सक्सेस करेगा। थ्रोम्बिन ये हेल्प करेगा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए। फाइब्रिनोजन हमने देखा था, फाइब्रिनोजन ये कौन से कंपोजिशन है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। कै में है ये? प्लाज्मा में है। वेरी गुड। प्लाज्मा प्रोटीन में हमने देखा था फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन, तो ये वो फाइब्रिनोजन है जो प्लाज्मा का कंपोजिशन है। ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन में। यहाँ पर मैंने बताया था कि फाइब्रिन क्या है, यहाँ पर इनिशियली मैंने आपको डिस्कस किया फाइब्रिन ये क्या है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड। तो ये फाइब्रिन बन गया मतलब थ्रेड्स के नेटवर्क बन गए, मान लो ये फाइब्रिन के थ्रेड्स है। अब ये फाइब्रिन के थ्रेड्स में क्या होंगे, बहुत सारे डेड आरबीसी आके रुकना शुरू हो जाएंगे, और ये डेड आरबीसी आने के बाद ये टिश्यू जो डैमेज हुआ था उसके सरफेस पे एक स्ट्रक्चर बनेगा, और ये स्ट्रक्चर सूखने के बाद फिर निकाल सकते हैं हम, जिसको हम आम भाषा में खपली बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर क्लॉटेड ब्लड है, ये क्लॉटेड ब्लड के कंपोजिशन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और फाइब्रिन, और इसको हम क्लॉटेड फॉर्म बोल सकते हैं ब्लड का, और इसी प्रोसेस को हम कैस्केड फॉर्मेशन और ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस इस तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पर ये प्रोसेस जो मैंने अभी समझाने की कोशिश की, जैसे कि इंजर्ड सेल से थ्रोम्बोप्लास्टिन का सीक्रेशन हुआ, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन हुआ कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में, और ये जो प्रोथ्रोम्बिन का सोर्स है वो लीवर है, हेपेटोसाइट है, थ्रोम्बिन के मदद से फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बन गया, और फाइब्रिन से फिर टोटल क्लॉटिंग प्रोसेस वहां पर हमको देखने को मिली। यहाँ पर साइमल्टेनियसली मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी कर रहा हूँ ताकि आपको समझने आए अच्छे से, कोई दिक्कत ना हो, तो डायग्राम भी साथ में आप देखिए। और देखो यहाँ पर एक एमसीक्यूज दिया, ये एमसीक्यूज को मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, उसके चार ऑप्शन मेंशन किया हूँ, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताना है। हर बच्चा कमेंट करके इसका मुझे आंसर बताएगा, और इस आंसर के हिसाब से मैं कंसिडर करूंगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है। जैसे कि विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, क्वेश्चन है विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, चार ऑप्शन है, चेंज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, चेंज ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, और फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये चार ऑप्शन है, और क्वेश्चन है विटामिन के किस लिए जरूरी है, रिक्वायर्ड फॉर, तो आपने मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर कैस्केड फॉर्मेशन मैंने वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप तक शेयर करने की कोशिश किया हूँ, अगर ये लेक्चर समझता नहीं भी है इनकेस, तो आपको ऑफलाइन लेक्चर में मैं फिर एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों का एकेडमिक लॉस ना हो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो लेक्चर ज्यादा से ज्यादा बनाकर आपको भेजे जाए, ताकि आपकी सेल्फ स्टडी का शेड्यूल जारी रहे। तो कल हम आगे के टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, थैंक यू।